इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा। रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमेटिक सिलेक्शन, मॉनिटरिंग यूनिट सैम्पलिंग, हाफ अदर सिलेक्शन और ब्लॉक सम। आपको पता है ये कैसे बना? मैं बताता हूँ। एक देखिए ये राम है, ये है श्याम, राम श्याम, ये इसको देख रहा, राम हो गया, श्याम हो गया और मोहन हो गया, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन को एच आई वी हो गया। ठीक, राम श्याम मोहन को एच आई वी हो गया। आपको पता है सब निराश, नो मैटर हाउ बैड इट इज हाउ बैड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट, नो मैटर हाउ बैड इट इज हाउ बैड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट, आई एम गोइंग टू मेक इट। यू कैन से विथ मी, यू कैन से विथ मी, नो मैटर हाउ बैड इट इज हाउ बैड इट गेट्स आई एम गोइंग टू मेक इट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चन नंबर वन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर वन। वी हैव फिनिश्ड टिल चैप्टर टू। आज हमने सुबह 10 बजे तक सारे चैप्टर टू को खत्म कर दिया। डे वन कल था, आज डे टू है, मतलब कल डे वन था, आज डे टू है, 29 है, कल क्या था 28। ओके, लेट्स स्टार्ट इट। इन केस क्वेश्चन, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इन केस वेयर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन ऑन अ रैंडम बेसिस, अगर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन रैंडम बेसिस से हुआ है तो कोई स्टैटिस्टिकल सिलेक्शन करने की जरूरत ही नहीं है। ये अब पहली बात क्वेश्चन बोला है, कोई स्टैटिस्टिकल सैंपल करने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू कमेंट वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, लेट्स कमेंट कि अगर रैंडम आपने किया तो कोई स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं सैंपलिंग में। तो सिलेक्शन ऑफ ऑडिट सैंपल, ऑडिट सैंपलिंग मतलब क्या, ऑडिट सैंपल होता क्या, इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम विद इन एन अकाउंट बैलेंस ऑफ। और देखिए होगा क्या, जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल, अब ये देखिए क्लाउड है, ठीक है, ये भी क्लाउड है, ये भी क्लाउड है, और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं। ओके, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, तब यहां से बारिश हो रही है। तो ऑडिट सैंपलिंग इज व्हाट इज अ बारिश, बारिश हो रही है, लेकिन जो सैंपलिंग में बारिश हो रही है क्या है सब पे, उन्हें बारिश हो रही है क्या है सब पे हो रही है, जिन्हें सब पे नहीं होगी, टू एनेबल द ऑडिटर टू ऑब्टेन इवेल्युएट ऑडिट एविडेंसेस। ये पूरा सैंपल है, ये पूरा सैंपल है। अब ऑडिट सैंपलिंग, ये जरूरी नहीं कि सब पे बारिश हो, कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे जिन पे बारिश नहीं होगी, ठीक है, मतलब जिसपे सैंपलिंग नहीं हो सकती। तो ऑडिट सैंपलिंग इज जस्ट लाइक कि इसका अगर आप देखेंगे ऐसे भी तो क्या है 530 ऑडिट सैंपलिंग, 5 में से 3 सेलेक्ट किया इसीलिए सैंपल बोलते हैं इसको। ऑडिट सैंपलिंग का याद करने का तरीका, तो ऑडिट एविडेंस इज अबाउट द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम सेलेक्टेड इन ऑर्डर टू फॉर्म और असिस्ट इन फॉर्मिंग अ कंक्लूजन कंसर्निंग द पॉपुलेशन। कहने का मतलब ये है कि ऑडिट सैम्पलिंग एक एप्लीकेशन है, मतलब जो एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स होगा वो सब पे ना होके कुछ कुछ लोगों पे होगा, ठीक है, एक पॉपुलेशन। द ऑडिट सैंपल कलेक्शन कलेक्शन ऑन अ रैंडम बेसिस इंश्योर दैट ऑल आई चांस, यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं सबके पास इक्वल चांस है, लेकिन बारिश किसी पे होगी किसी पे नहीं हुई, ठीक है, तो दैट इज व्हाट द एग्जांपल इज, ठीक है। बाय यूज ऑफ द रैंडम नंबर्स टेबल दिस मेथड इज कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड द पॉपुलेशन टू बी सैंपल कंसिस्ट ऑफ रीजनेबली सिमिलर यूनिट्स एंड फॉल विद इन द रीजनेबल रेंज। हाँ, पॉपुलेशन सही हो तो रैंडम सैम्पलिंग एकदम परफेक्ट है। स्ट्रिक्टली अगर स्पीकिंग बोले तो, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, इनकेस ऑफ द सिलेक्शन ऑफ एन ऑडिट सैंपल ऑन द बेसिस ऑफ द रैंडम टेबल देयर इज नो नीड टू फॉलो एनी फर्दर स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल, कोई और प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं। तो हमारा क्वेश्चन यही था कि क्या फॉलो करने की जरूरत है, तो आंसर विल बी नो। तो देयरफॉर व्हेनेवर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन डन ऑन अ रैंडम बेसिस selection of a representative sample, no statistical process of selection of sample needs to be followed. Are you getting my point? Okay, thank you. Let's move to the question number 2 directly. Oh, already random sampling is something. अच्छा, उसमें एक point छोड़ दिया क्या?
इनफैक्ट सेलेक्शन ऑफ एन ऑडिट सैंपल ऑन अ रैंडम बेसिस इज द प्रीरिक्विजिट फॉर एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक. स्टैटिस्टिकल टेक्निक आप तब लगाएंगे, प्रीरिक्विजिट मतलब उसकी रिक्वायरमेंट ही है, पहले आपके पास कोई सैंपल हो उसके बाद ही स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएं. तो हाउ अबाउट सर्टेन मेथड्स सच एज हैफजर्ड सैंपलिंग एंड ब्लॉक सैंपलिंग मे रिजल्ट इन सिलेक्शन ऑफ सैंपल व्हिच इज नॉट फ्री फ्रॉम बायस. हैफजर्ड और ब्लॉक सैंपलिंग में जब बात करेंगे देयर कैन बी बायस, बट आप रैंडम सैंपलिंग कर रहे हैं तो देयर इज नो चांस ऑफ बायस. ओके ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सैंपलिंग, ऑल्सो डिस्कस द मैथड ऑफ सैंपलिंग, एक्सप्लेन द एक्सप्लेनिंग द लाइट ऑफ द एस सी 530. 5-3 सेलेक्ट करना है, क्या होगा सैंपलिंग. Now, क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया ना ऑडिट सैंपलिंग क्या होता है. लेट्स सी मीनिंग ऑफ द ऑडिट सैंपलिंग. ऑडिट सैंपलिंग में एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट इज लेस देन 100% आइटम ऑफ द ऑडिट रेलेवेंस सच दैट ऑल सैंपलिंग यूनिट्स हैव इक्वल चांस ऑफ द, मतलब बारिश होगी सबके ऊपर ना होके, मतलब सबके पास चांस है भीग सकता है लेकिन कुछ भीगेंगे कुछ नहीं भीगेंगे, ठीक है. और उससे एक कंक्लूजन ड्रा हो जाएगा कि बारिश हुई थी, मतलब हमने ऑडिट किया था. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर व्हेन यूजिंग ऑडिट सैंपलिंग इज टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर ऑडिटर टू ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द पॉपुलेशन फ्रॉम व्हिच द सैंपल इज सिलेक्शन. अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, अब आपके एरिया में जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, ड्रॉइंग में कोई खास ठीक है, बादल है यहाँ से बारिश हो रही है, कोई लोग घर में है, कोई बाहर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, यहाँ पे भी झोपड़ी है, ये भी बाहर है, यहाँ पे भी झोपड़ी है, यहाँ पे भी झोपड़ी है, तो ये लोग भीग गए, ये लोग नहीं भीगे, तो पता चल गया ना मार्केट में ये बारिश हुई है. कैसे पता चला है, तो घर से देख रहे हैं, ये भी घर से देख रहे हैं, लेकिन ये लोग भीग के आगे बोले अरे बारिश हो रही, बारिश हो रही, बारिश हो रही है. तो इट मीन्स कि पूरा पॉपुलेशन को हम इंक्लूड कर पा रहे हैं कि नहीं. थोड़ी सी बारिश होगी तो सबको पता चल जाएगा, मतलब हर पॉपुलेशन का नॉलेज हमारे पास आ जाएगा. Now, there are many methods of selecting samples. The principal methods are as follows. Principal methods की बात हो रही, बहुत सारे method है, we are just talking about the principal method, important चीज है. मैं आपको एक shortcut बता देता हूँ जिससे आपको याद हो जाएगा. Random selection, systematic selection, monitoring unit sampling, haphazard selection और block sample. आपको पता है ये कैसे बना, मैं बताता हूँ. एक देखिए ये राम है, ये राम, राम श्याम, ये इसको देख रहा, राम हो गया, श्याम हो गया और मोहन हो गया, राम श्याम मोहन, राम श्याम मोहन को HIV हो गया, HIV हो गया, ठीक, राम श्याम मोहन को HIV हो गया. आपको पता है सब निराश बैठे हुए हैं, तो राम में आठ से क्या होगा, आठ से होगा रैंडम सैंपलिंग, वो ऐसे क्या होगा, सॉरी एस से होगा सिस्टमेटिक सैंपलिंग, एम से क्या होगा मॉनिटरी सैंपलिंग, और एच से होगा हैफजर्ड, बी से होगा ब्लॉक सैंपलिंग. आपको दिखा देते हैं, ये हो गया हैफजर्ड, एच से हैफजर्ड, बी से ब्लॉक. तो राम श्याम मोहन को HIV हो गया, राम श्याम मोहन को XIV हो गया, राम श्याम मोहन को HIV हो गया, ठीक है. तो आपको पता चल जाएगा कि कितने मेथड लगाने होंगे उसको सही करने में, चाय भी लो है, होंगे उसको सही करने में चाय भी लो है, हाँ कितना मेथड लगाना होगा HIV को सही करने, बोले राम श्याम मोहन के चाय भी होगा कितने मेथड लगाने होंगे, तो राम श्याम मोहन और HIV पांच मेथड हो गए, ठीक है. दिस मेथड इज अप्लाइड थ्रू रैंडम नंबर जनरेटर. रैंडम नंबर जनरेटर से फॉर एग्जाम्पल रैंडम नंबर टेबल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग. हमने क्या करना, रैंडम नंबर टेबल से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग करनी, मतलब स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और रैंडम नंबर टेबल दो मेथड रैंडम सैंपलिंग के, ये इंपॉर्टेंट है. रैंडम नंबर टेबल तो रैंडम सैंपलिंग से ही निकल जाएगा, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग मतलब सिलेक्शन एज पर स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, ठीक है, इज वन ऑफ द मैथड ऑफ रैंडम सैंपलिंग. दिस मैथड इन्वॉल्व डिवाइडिंग द होल पॉपुलेशन टू बी टेस्टेड इन अ फ्यू ग्रुप्स कॉल स्ट्रेटा एंड टेकिंग अ सैंपल फ्रॉम ईच ऑफ देम. Each stratum is treated as if it were a separate population, and if a proportionate item are selected, entire expenses vouchers may be divided into vouchers above 1 lakh, vouchers
बिटवीन इतना 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 इतना, मतलब ये तरीका है रैंडम सैंपलिंग आपके पास है। आप बोले वाउचिंग करने गए तो बोले कि 1 लाख वाउचर्स हैं, तो हम बोले कि जो वाउचर्स 2 लाख के ऊपर होंगे हम लोग चेक कर लेंगे। द ऑडिटर कैन डिसाइड टू चेक ऑल द वाउचर्स और 400, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ऑडिटर बोला कि उसका पूरा चेक करेंगे, बोला इसका 50%, इसका 25%, इसका 25%। ठीक है, ऐसे मतलब ये 3 कैटेगरी बना दिया उसके ऊपर, मतलब ये टेबल हुआ, सब ग्रुपिंग कर दिए उसके बाद वहां से टेबल, ये एग्जांपल हो गया, वो आप देख लीजिए। सिस्टमेटिक सिलेक्शन, सिस्टमेटिक सिलेक्शन इन दिस मेथड द नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स इन द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड बाय द सैंपल साइज टू गिव अ सैंपल इंटरवल। फॉर एग्जाम्पल 50 एंड हैविंग डिटरमाइन अ स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फर्स्ट सैंपलिंग यूनिट देयर आफ्टर इज सिलेक्टेड, मतलब हर 50वां नंबर सेलेक्ट किया जाएगा या हर 10वां नंबर, हर या 12वां नंबर ऐसे सेलेक्ट किया जाएगा। मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग, दिस सैंपल इज अ टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सेलेक्शन इन विच सैंपल साइज सेलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इज अ कंक्लूजन इन द मॉनेटरी अमाउंट। ये क्या बोल रहा है, ये मॉनेटरी यूनिट सैंपलिंग बोलता है कि दिस मेथड इज टाइप ऑफ वैल्यू वेटेड सेलेक्शन, वैल्यू के हिसाब से जिसका वैल्यू बहुत ज्यादा उसके हिसाब से उसका सैंपल साइज सेलेक्शन एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट जैसा होगा उसके हिसाब से सैंपलिंग। Haphazard selection. In this method, the auditor selects the sample without following a structure technique. Although no structure technique is used, the auditor would nonetheless avoid any conscious bias or predictable. For example, avoiding difficulties in locate item, always choosing avoid the first entries on a page. Thus, attempt to ensure that all items in the population have equal chance. इसमें क्या है ना, कोई method नहीं, कोई technique नहीं, जैसे बनाया वैसे sampling के लिए। This method involves selection of block. This method involves selection of block of a contiguous items from within the population. Block selection cannot ordinarily be used in the audit sampling because most population are structured such that item in a sequence cannot be expected to have the similar criteria.